हेलो स्टूडेंट्स, वाओ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या हम पेपर कप में पानी को बॉईल कर सकते हैं। पेपर कप में पानी को बॉईल करना इम्पॉसिबल सी बात लगती है ना। देखते हैं पहले पेपर कप को। सिंपल पेपर कप अगर हम फ्लेम के पास लेकर के जाते हैं तो क्या हाल होगा। देखिए फायर कैच कर लिया है, उसने जलना स्टार्ट हो गया। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो है इसने फायर कैच कर ली है, पेपर कप जलना स्टार्ट हो गया है। ये एक्सपेरिमेंट करते हुए जो है आपको बात का ध्यान रखना है कि अपने पेरेंट्स की सपोर्ट लें, पेरेंट्स की गाइडेंस लें, उनकी प्रेजेंस के अंदर ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है अगर करना है तो। अदरवाइज इसको घर पे अटेम्प्ट ना करें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें पानी डालते हैं। दूसरा पेपर कप लिया हम लोगों ने, इसे पानी डाला हम लोगों ने। मैंने सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। अब हम पानी से भरा हुआ जो है गिलास, ये पेपर कप जो है, हम फ्लेम के ऊपर लेकर के आते हैं। देखिए गिलास बिल्कुल फ्लेम के ऊपर है। देखिए अभी तक आपका गिलास बिल्कुल सेफ है। पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया। देखिए ग्लास को कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट जो है आप घर पे नहीं करेंगे, एडल्ट्स की सुपरविजन के अंदर ही करेंगे अगर करना है तो आपको। बहुत गर्म हो चुका है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री टेम्परेचर पे आएगा। 100 डिग्री टेम्परेचर जब पानी का टेम्परेचर पहुंचेगा तो पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। पेपर ग्लास सेफ है अभी तक।
पानी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, फ्लेम बहुत छोटी सी है, फ्लेम का स्ट्रेंथ जो है बहुत कम है। इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पानी एवेपरेशन के स्टेज में आ चुका है, हल्का हल्का वेपर्स जो है ऊपर आनी स्टार्ट हो गई है। देखिए आपका ग्लास जो है बिल्कुल सेफ है, यहाँ से ब्लैक जरूर हो गया है लेकिन आपका ग्लास सेफ है। पानी गर्म हो चुका है, काफ़ी गर्म हो चुका है। दोस्तों इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है, आपके पेपर का जो बर्निंग टेम्परेचर है, जो इग्निशन टेम्परेचर है, वो है 233 डिग्री। 230 डिग्री टेम्परेचर जब तक जो है पेपर को नहीं मिलेगा, तब तक ये आपका इग्निशन पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, तब तक ये जलेगा नहीं। पानी जब हम लोगों ने इसमें डाला तो पानी का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री है, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री है। अब क्या हो रहा है, जो फ्लेम का जो हीट एनर्जी है वो आपका पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। पानी का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री जब जाएगा तो इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी जब तक पानी इसके अंदर अवेलेबल है तब तक जो है इस पेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाने देगा पानी। और हमारा बर्निंग पॉइंट क्या है कागज़ का, पेपर का, वो है 233 डिग्री टेम्परेचर पे जो है बर्न होगा, या 450 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है बर्न होगा। तो इसलिए पेपर कप के अंदर जो है पानी बॉयल करना ईजी है, हो सकता है। आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कर दिया, थैंक यू वेरी मच। घर पे नहीं करना, घर पे नहीं करना, थैंक यू।